पवन भैया जिंदाबाद, 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 पवन भैया जिंदाबाद, 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 हमारा संसद कैसा हो, पवन भैया जैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, पवन भैया जैसा हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब भोजपुरी का प्यार है, भोजपुरी वालों लोगों का प्यार है, भोजपुरी समाज का प्यार है, बहुत बहुत बधाई भैया। भोजपुरी भाषा का बहुत बड़ा एहसान है जो आज एक छोटे से गांव से लड़का निकला हुआ जो कि जोकहरी गांव से आता है और वहां से निकल करके और आज आजकल में पुष्टि हम लोग भी आप ही लोग के न्यूज द्वारा सुन रहे हैं कि टिकट फाइनल हो गया है। आजकल में पुष्टि हो जाता है, उसके बाद हम जब पुष्टि हमारे पास अगर आ जाता है तो हम आकर के आप लोगों को क्लियरली बता देंगे कि क्या हुआ। इसका श्रेय भी तो भैया आप ही को जा रहा है। नहीं, इसका श्रेय पूरे भोजपुरी समाज को जाता है, पूरा भोजपुरी भाषा को जाता है और आप सब भाई को जाता है। आसनसोल में लगातार जो पहले से सांसद है वो बिहारी बाबू बन के वहाँ पे है, तो अब तो बिहारी बाबू ही वहाँ जाने वाले हैं। आसनसोल लड़ेंगे कि बिहार लड़ेंगे, लेकिन खबर तो आ रही है कि चुनाव लड़ाएगी, उस पर डिपेंड। लेकिन खबर तो चल रहा है कि आसनसोल से टिकट आप ही लोग का खबर सुनकर के हमको भी लग रहा है कि आसनसोल वहाँ मतलब बिहार यूपी के ज्यादा पसंदीदा लोग हैं। और कौन सी बिहार यूपी के पसंदीदा लड़ रहे हैं या फिर भोजपुरी लड़ रहे हैं? भोजपुरी लड़ रहा है, भोजपुरी लड़ रहा है और भोजपुरी और पूरा हिंदी भाषी और जितने भी आप लोग का प्यार है सबके लिए, पूरा बिहार यूपी पूरा हिंदी भाषी सब आप सब लोग लड़ रहे हैं। और एक बार लोगों से आग्रह कर दीजिए कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बहुत आइए, अगर टिकट मिल रहा है तो आप लोग को जब सब लोग सांसद है ना, पवन जी अकेले सांसद नहीं होंगे, पूरा बहुमत मिलेगी। क्या ब्रदर, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिलेगी, आप जनता के ऊपर आप लोग के ऊपर है। बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग देख सकते हैं।